सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। भारत में पहली प्लग इन हाइब्रिड कार को असेंबल करने का दावा करने वाली कार कंपनी वाल्वो ने आखिरकार अपनी प्लग इन हाइब्रिड वेरिएंट के पहले मॉडल वाल्वो XC90 को पेश किया। यह कार बिजली, बैटरी और पेट्रोल की मदद से चलेगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। हाइब्रिड कार इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें पेट्रोल इंजन, बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिससे यह कार पहले 40 किलोमीटर बिजली से चलेगी और फिर यह हाइब्रिड मोड में चली जाएगी, यानी कि ये पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करने लगेगी, जिससे ग्राहकों को अच्छा माइलेज मिलेगा। इसके हाइब्रिड वर्जन वाल्वो XC90 प्लग इन हाइब्रिड कार है। इसमें आप प्योर इलेक्ट्रिक से हाइब्रिड मोड में जा सकते हैं। 40 किलोमीटर तक आप इस कार इलेक्ट्रिक मोड में चला सकते हैं और फिर उसके बाद इसका मोड बदल कर इसे पेट्रोल पर चला सकते हैं। कंपनी से इस बारे में बात करने पर उन्होंने बताया कि सर्वे के मुताबिक करीब 87% भारतीय अपनी कार से एक बार में 30 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इसको देखते हुए कंपनी ने अपनी कार में 40 किलोमीटर का रेंज दिया है। कंपनी कार के साथ आपको इसमें दो इलेक्ट्रिक चार्जर देगी। पहला चार्जर ग्राहक के घर पर लगेगा और दूसरा चार्जर ऑफिस में या जहां आप अपने अनुसार इसे लगवाना चाहते हो। यानी आप अपनी कार को चार्ज करके घर से निकलेंगे और इसे ऑफिस में दोबारा चार्ज कर सकेंगे। दोनों ही चार्जिंग यूनिट फ्री होंगे, जिसे कंपनी के टेक्नीशियन ग्राहक के घर आकर सेट करेंगे। इसके साथ ही कंपनी के ब्रेथ फ्री पहल पर अपना कदम रखते हुए कार के अंदर 95% तक PM2.5 को आने से रोका जा सकता है। इससे कार के अंदर यात्रा कर रहे यात्री या ड्राइवर को साफ हवा मिलेगी। कंपनी ने इस बात की भी जानकारी दी कि अगले 3 साल में वाल्वो कार्स प्लग इन हाइब्रिड के 4 अलग मॉडल को भी पेश करेगी। कंपनी ने इसके प्री ऑर्डर बुकिंग की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, आपको यह कार कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी तरह की मजेदार खबरें पढ़ सकें।